आईजीएमसी प्रशासन ने बीते सोमवार को अस्पताल में 7 महीने के बच्चे की हुई मौत मामले की जांच शुरू कर दी है, जहां प्रशासन द्वारा बच्चे के शव का पोस्टमार्टम विधि विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा भेजा गया है, जिसकी जानकारी आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने दी। ये सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि कल जब इस बच्चे की जब मृत्यु हुई है तो उसके बाद परिजनों के द्वारा जो कुछ बातें कही गई कि इलाज में जो वो लापरवाही हुई है, इंजेक्शन ठीक से नहीं लगा इसलिए बच्चे की मृत्यु हुई, तो वो उनका एक अपना व्यक्तिगत नज़रिया है, उस पर तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, परंतु उनकी बात का सम्मान करते हुए और उनके परिवार के जिस सदस्य छोटे बच्चे की जो जान गई है उसको न्याय हो, उसके साथ कोई कमी ना रह जाए उसकी इलाज और उसकी आगामी जाँचों में, इसलिए उनकी इच्छा पर परिवार वालों के कहने पर हम लोगों ने यहाँ पर इसका पोस्टमार्टम के लिए जो है वो बॉडी को भेजा और कल शाम में पोस्टमार्टम हो गया है और उसके बाद आगामी जांचें जो कुछ बाकी होती हैं, जो एफएसएल जुन्गा से रिपोर्ट फाइनली आने के बाद ही इस दिशा में हम कुछ कह पाएंगे कि कोई इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ है अथवा नहीं हुआ। सबसे पहले तो आप लोगों के समक्ष एक बात कहना चाहूँगा कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से गंभीर स्थिति में अलग अलग विभागों में मरीजों को रेफर किया जाता है, तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है कि अन्य छोटे अस्पतालों में जो लोग गंभीर हो जाते हैं या जिनकी इलाज की व्यवस्था उन जगहों पर नहीं की जा पाती, तो उनको एक जान बचाने के उद्देश्य से उनको यहाँ पर रेफर किया जाता है, परंतु ये कोई भी अस्पताल या कोई भी डॉक्टर या कोई भी व्यवस्था ये शर्तिया तौर पर ये नहीं गारंटी दे सकती कि जो भी मरीज यहाँ लाए गए हैं हमारे पास वो सब ठीक होंगे, क्योंकि हमारा काम जो है हमारे एक प्रशिक्षित लोग हैं जिनका काम मरीज के शरीर में हुई बीमारी के प्रति लक्षणों के प्रति हम लोग प्रशिक्षित होते हैं, उनके लिए क्या इलाज किया जाना उसके लिए प्रशिक्षित होते हैं, तो वैसी स्थिति में कई बार जो मरीज की शरीर का जो रिस्पांस है बॉडी रिस्पांस जो है वो इलाज के प्रति अगर सकारात्मक प्रभाव उसमें होते हैं तो वो व्यक्ति ठीक होते हैं कि, परंतु बहुत बार जो है वो इलाज जो है वो शरीर जो उस तरीके से इलाज के प्रति सकारात्मक जो प्रभाव है वो नहीं दिखाता है और वैसी स्थिति में लोगों की मृत्यु होती है। हम बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा पीडियाट्रिक्स विभाग है इस विभाग में अभी भी इस वक्त भी अगर आप जाके देखें तो 14 बच्चे जो हैं वो लगभग वेंटिलेटर पर यहाँ पर हैं, तो गंभीरतम मरीजों को हम लोग यहाँ पर इलाज मुहैया करवाते हैं और वैसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि सब लोगों की जान बचा पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।